मेरी माँ मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेगी तो बिल्कुल शादी करूंगा। राघव चड्ढा पहले सिर्फ एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन अब वो एक हीरो भी बन चुके हैं, जिन्हें अपनी हीरोइन भी मिल चुकी है, और ये बिल्कुल ही बड़े पर्दे की तरह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म घोषित हो चुकी है। इस हीरो हीरोइन की जोड़ी ने धमाल मचा रखा है। जहां देखो तो सिर्फ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की ही बातें हो रही हैं। शादी में दोनों क्या पहनेंगे, एंगेजमेंट सेरेमनी में दोनों कितने प्यारे लग रहे थे, और वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इससे पहले जब भी राघव चड्ढा से उनकी दुल्हनिया के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाता तो पहले वो शर्मा जाते और उसके बाद काफी डिप्लोमेटिक आंसर भी देते। यकीन नहीं होता तो सुन लीजिए कि जैसे ही हमने राघव चड्ढा से शादी पर सवाल पूछा तो राघव चड्ढा क्या बोले। जैसे ही मेरी माँ मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेगी तो बिल्कुल शादी करूंगा। देखा आपने, राघव कभी अपनी मम्मी पर तो कभी शादी पर सवाल पूछने वाले मीडिया पर्सन पर ही ये सवाल टॉस कर देते और कहते कि आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे तो एक बात सच है कि राघव की दुल्हनिया यानी कि हमारी परिणीति चोपड़ा लाखों में एक है। ये जोड़ी सुपर डुपर हिट है। ऐसा भी हो सकता है कि जल्द शादी के बाद राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्मों में भी नजर आने लगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में राघव चड्ढा का रोल है ही इतना डायनेमिक कि वो तो रैंप वॉक भी कर चुके हैं और बॉलीवुड के गाने और फिल्मों के दीवाने भी हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के दीवाने हैं। जब हमने राघव से संसद में बहसबाजी, मॉडलिंग, रैंप वॉक जैसे डायनेमिक रोल के बारे में पूछा तो उस पर राघव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मामा जो हैं वो बेसिकली एक फैशन डिजाइनर हैं और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके लिए ये रैंप वॉक करूं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पारिवारिक प्रेशर जो होता है, फैमिली प्रेशर के चलते मुझे ये करना पड़ा। मैंने बिल्कुल खुशी खुशी वो नहीं किया, लेकिन करना पड़ा अपने मामा की एक उनकी इच्छा थी उसको ऑनर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक ये सब पॉपुलैरिटी और ये सब चीज़ों की बात है, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि एक इंसान का जो काम है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, और अगर काम की सराहना होती है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हम लोगों की असल कमाई लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद है। आम आदमी पार्टी वाले कोई हीरे जवाहरात प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए तो इकट्ठा करते नहीं है, हम तो साधारण से लोग हैं, ईमानदार पार्टी है। तो हमारे लिए असली कमाई जो होती है वो है लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और लोगों का आशीर्वाद। राघव चड्ढा भले ही आप बातों को बड़े ही प्यार से घुमा देते हैं, लेकिन अब आप पकड़े गए हैं। चलिए ये तो सिर्फ एक मजाक था, आपको हमारी तरफ से यानी कि एनटी लाइव की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।